वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो यार अभी सुबह हो गई, इतवार का दिन है और बारिश भी आज हो रही है और सुबह सुबह उठना पड़ गया था क्योंकि बारिश की वजह से ही सुबह सुबह उठा दिया था अम्मी ने। और फिर उन लोगों को भी शिफ्ट करना है, माइकल और जैक को, मतलब मेरे मुर्गा मुर्गी को और छोटे वाले को, उसका नाम नोबिटा है, तो इन लोगों को भी तीनों को इनकी जगह पर शिफ्ट करना है। फिर इनको शिफ्ट करने के लिए देखता हूँ अभी क्या करना है क्योंकि बारिश वारिश भी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता मुँह धुलेगा, मुँह बारिश में ही धुल जाएगा। तो पहले जाता हूँ, इन लोगों को शिफ्ट करता हूँ, फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना, फिर मिलते हैं तुम लोगों से, इनको शिफ्ट करते हैं जब। वो लेके चलता हूँ बाहर, दिखाता भी हूँ, बादल गरजने की बहुत तेज आवाज़ है, क्या बताऊँ। तो मैं आ रही हूँ, मैं दिखाता हूँ तुमको जो अभी फ़िलहाल जो छोटा वाला रखा हुआ था उसको तो अंदर शिफ्ट कर दिया, इससे पहले ये भी घी लूँ, इनको भी यहाँ से हटा देते हैं ना। और अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, मेरी नींद भी ख़राब हो गई है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है लेकिन ठंडा भी हो रहा है ना, तो इनको शिफ्ट करके फिर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। भाई आ गए अपनी जगह पे, वही जीने वाली जगह पे ये लोग अपनी आ गए। अब ये मजबूरी है क्योंकि बारिश हो रही होती है, मजबूरी के चक्कर में यार वापस रख देंगे बारिश जैसे रुकेगी। अभी ये लोग यहाँ पे तक सुकून से तो रहेंगे, थोड़ा ठंड वगैरह नहीं लगेगी। यार ना मुँह धोया है अभी ना कुछ, सिर्फ सुबह उठा हूँ और भाई यही सफाई करने में लगता हूँ इनकी, कि पहले इसकी सफाई कर दूँ क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़, झिलियाँ और कौंदा हो रहा है या फिर बहुत तेज़ बादल गरज रहा है ना, अभी भी बहुत दर्दनाक आवाज़ आई। तो माइकल लोगों को शिफ्ट कर दिया है, इससे पहले बारिश तेज हो, मैं मिट्टी वगैरह भी उठा लेता हूँ, फिर तुम लोगों से मिलता हूँ सुकून से ना। यार अभी बहुत टाइट आवाज़ आई थी ना, तो पूरा सब कुछ लिया था। खैर मैं जाता हूँ पहले अपने लिए नाश्ते के लिए बिस्किट विस्किट पकड़ लेता हूँ नीचे से, फिर आता हूँ नाश्ता करता हूँ, तो फिर मिलता हूँ। कोई भी नहीं है, सारे सो रहे हैं और इतनी तेज़ आवाज़ आने की वजह से उठ गया था मैं ना, तो अभी जाके नाश्ता करता हूँ, फिर जाके वो कर, कोई आगे सीन होता है तो मिलता हूँ ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये तस्वीर भी खींच लिया बड़े अब्बू की। भाई फिर वही आवाज़ बन रही है, बहुत खतरनाक, अभी देखते हैं अभी आप इसके लिए जो है ना कान लगा के ना सुने, कान के पर्दे डैमेज होते हैं। फल लग गया, अगर यहाँ फुल ढोल चमककर चालू है अभी देखते हैं, अगर रिकॉर्ड हो जाती है तो इस बात का ख्याल रखें। वालेकुम सलाम, देखें एक कारिंदा इधर से गुजरा प्लास्टिक के जो है उसने टोपी इस्तेमाल किए, जहन देखें आप बारिश में कितना काम कर रहा है इनका, है नहीं पहन के अपने आप को बचाया जा रहा है। इतनी ख़तरनाक किस्म की बारिश नाजिम चल रही है इस टाइम, लियाक़ताबाद नंबर 3 गुजरनवाला। ज़्यादा मैं अपने बिस्किट और फेनी वगैरह रखी हुई थी तो फेनी खाता हूँ, रमज़ान में ही फेनी खाई जाती है। अब रमज़ान चलेगा तो ऐसा तो नहीं है फेनी नहीं खाई जाए, तो रमज़ान जाने से पहले मेरा हर साल का है कि मैं लेके रख लेता हूँ पाव आधा किलो, तो फिर उसी हिसाब से खाना होता है ना, मतलब लेके रख लेता हूँ फिर खाने में आ जाती है क्योंकि अच्छी लगती है वैसे रमज़ान के बाद में भी खाने में, तो इसलिए मैं लेके रख लेता हूँ। फिर अभी नाश्ता कर लेता हूँ पहले, फिर तुम लोगों से आगे मिलता हूँ ना। भाई आवाज़ें सुनो खाली, बारिश अभी थोड़ी सी रुक गई है, मुझे सौदा वौदा भी ला के देना है घर का, तो ये है कि अभी रुकी हुई है बारिश, तो चलता हूँ, सोच रहा हूँ अभी निकल जाऊँ। सारे पेड़ पौधे इतने अच्छे हो जाते हैं जब बारिश वगैरह होती है, तो सब ग्रीनरी हमारी गली में है भी ज़्यादा ना, तो अच्छा लगता है। तो फिर मैं पहले सौदा वौदा ला दूँ, उससे पहले तो ज़्यादा बारिश हो जाए, फिर आगे मिलता हूँ तुम लोगों से। यार सौदा लेके आया था, उसमें दाल डबल निकल गई, आधा किलो ब्लैक वाली मसूर और आधा किलो ये वाली मसूर लिखी हुई थी, इसमें डबल निकल गई है। अब इसको जाके दोबारा वापस देना पड़ेगा, ख्वारी है, फिर ये जाके वापस देता हूँ और इनको बदल के ला। यार बाहर निकलना अब हुआ है कोई रात के टाइम और अभी भी बारिश हो रही है, तुम लोगों को पता नहीं कैमरे में दिख रही होगी नहीं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हो ही रही है ना, तो अभी दिन भर तो कोई था नहीं, अब सीन बना कहीं का, कहीं कुछ खाने जाते हैं तो फिर मिलते हैं, वो भी अभी पक्का है नहीं, बन रहा है, बन जाता है तो फिर जाता हूँ, तो फिर वहीं पे मिलता हूँ तुम लोगों से ना। तो यार घूमते फिरते अभी हम लोग इधर ही पहुँच गए थे नारी में, क्या नाम है उस होटल का, महफूज नारी पे पहुँच गए थे घूमते फिरते, वो भी फहीम भाई को हमारे नारी खानी थी। देन तुम्हें नारी खानी थी या फिर फहीम भाई के कहने पे आए हो? नारी तुम्हें खानी थी, तुम्हें भी खानी थी, तो कौन सी नारी मंगाई है फिर? मगज़ नारी खा लोगे तुम? सवाल तुम मगज नारी खाते हो? मगज नारी मंगाइए भाई, अभी इसने मगज नारी करेंगे इधर। आप बोले तफसील से, मैं बता दूँ उसमें तब्दीली आएगा, आप तफसील से बोलें तो
करेंगे तो फहीम भाई बताएंगे फिर आपको कि किस तरीके से खाना है। और ये इसमें गुल्ला की अदरक गायब है, उसको अदरक भी खानी है यार। फहीम भाई अभी नारी ट्राई करने लगे और फिर ये आपको रिव्यू देंगे, तो इनसे पूछते हैं। बेहतरीन आती है अपने दोस्तों यारों के साथ खाना खाओ के साथ खाना खाओ अच्छा चार नंबर या कितना बात भाई तो बोल आपने देख लिया अभी मैं भाई नारी डबल करके मुका दिए जैन अभी तक लगा हुआ है। इसकी एक पहले वीडियो वायरल हुई थी कि जितना भी खा ले भूखा ही रहता है, उसके बाद से इसने कैमरे पे खाना छोड़ दिया। जैन कुछ कहना चाहोगे? हमारी एक बिरयानी वाली वीडियो वायरल हुई थी, पेट भर के ये बड़ी अच्छी बात कही आप, पेट भर के खाओ भैया। तो दो नाड़ी ये फाड़ चुका है, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू तुम क्या देना चाहोगे इसके टेस्ट के बारे में? टेस्ट अच्छा है बहुत, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है अच्छा ढंग का, लेकिन ये है कि मगज़ नारी इसकी अच्छी थी। सही है, ये फहीम भाई की फरमाइश पे आई थी मगज़ नारी, जो पूरा बिल्कुल साफ हो चुका है। ये थोड़ा सा डाइनिंग का मसला है, फैमिली के लिए लिहाज से थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि सेपरेट नहीं है, पर्दे वगैरह लगे हुए हैं, अगर फैमिली वगैरह आना चाहे तो पर्दे लग जाते हैं वगैरह। अच्छा है, थोड़ा सा रेनोवेट करने की ज़रूरत है कि जगह को रेनोवेट करेंगे तो, लेकिन ये है 1973 से ये चलती हुई आ रही है। और जावेद नहारी वाला कहा जाता है या फिर सुना है कि वो यहाँ पे नहारी बनाया करता था। अब ये तो हमने अपने बड़ों से सुना है, जो लोग जानते होंगे इस बात को वो लोग इत्तेफाक करेंगे। खैर टेस्ट अच्छा था, वो कर लेते हमारे सवाल भाई जो हैं वो सही तरह खा नहीं पाए। अच्छा ऐसा है सवाल? नो डाउट, फहीम भाई की ऑर्गेनाइजेशन, फहीम भाई की मैनेजमेंट, फहीम भाई की टीम मेंबरशिप, हर चीज़ फहीम भाई बहुत ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ बेहतरीन तरीके से लेके चलते हैं। खाने मतलब आपको मत सिखा, चल खाने से लेके लोगों के मामला तक। तो अभी क्या सीन हुआ, इतनी लंबी नहीं करो ना। ने ये बोला कि फिर मैंने ये नोट कर लिया कि अभी हम लोग खा रहे थे तो मैं बहुत पीछे रह गया था। अच्छा कितना पीछे? खाना मतलब थोड़ा सा पीछे रह गया था बाकी सबके हवाले से ना। अच्छा अच्छा, तो फिर मैंने ये बोला कि अभी ना सवाल के लिए कुछ दूसरा अरेंजमेंट करते हैं। तो जाएंगे चाय के होटल पे, वहाँ हम चाय के साथ थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट लेंगे और फिर आपको वहाँ लेके चलते हैं। अच्छा हाँ चलो। और गाइस अब हम आ गए सियाज होटल का, जहाँ हमने फाइनली इंतजार खाने का, और अब यहाँ हमने चाय का ऑर्डर दे दिया और अब चाय आएगी, चाय आपको दिखाएंगे, चाय आगे कैसे भी यहाँ बहुत सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे अमूमन काफ़ी रश होता है और इस होटल की खास बात ये कि 24 आवर्स ओपन है। अच्छा, और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, मुसाफिर भी आते हैं, यहाँ के रिहायशी भी आते हैं, मकामी भी आते हैं, जो दोस्त आते हैं किसी के यहाँ वो लोग स्पेशली यहाँ लेकर आते हैं। सिराज चाय वाले के पास यहाँ आने का मशवरा किसका था? यहाँ मशवरा था हमारे मुदस्सर भाई का, और मेरा मशवरा, हाँ मशवरा मुदस्सर भाई का था। मेरा मशवरा कहाँ से हो गया? इतना फॉलो किया गया है भाई फहीम साहब, ये तो चेयरमैन है ना फिर कमेटी के, ऑर्गेनाइजेशन आप कमेटी के चेयरमैन हो ऑर्गेनाइजेशन में। और यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ कप देखने को नहीं मिलेंगे, आपको ग्लास देखने को मिलेंगे, जो अच्छा जो रिवाज मतलब जो देसी तरीका चल रहा होता है ये हाँ सबसे जल्दी आ रही है जब से ये क्रिएटेड है। अच्छा, और इसकी ग्लास के अंदर अभी आपने क्या ऑर्डर कर दिया? अभी हमने चाय ऑर्डर किया है और क्या खूबी क्या है? खूबी है जैसे और टाइम पे है तक का हाँ, और इन्होंने हमारे पास अच्छा, तो इन्होंने वो किसका दिया है? इन्होंने तो ये अंडा किस चीज़ का है? अंडा किस चीज़ का है? अंडा ही मुर्गी का। अच्छा चलो, और बाकी चाय आएगी तो फिर आप बताओगे उसके बारे में या नहीं? चाय की थीम नाम से जरूर शेयर करूँगा कि चाय की थीम क्या है यहाँ पर, जिस वजह से मशहूर। अच्छा चलो, फिर चाय आ जाए तो उस टाइम पे आप रिव्यू दोगे। A few minutes later क्या यार चाय आ गई थी, सवाल चाय पीना तो उसकी उसका रिव्यू लेते हैं। सवाल क्या रिव्यू है तुम्हारा? अच्छा सर्विंग क्या है इनकी, जो तुम आप बता रहे थे थोड़ी सी क्वालिटीज वगैरह? गर्म कर रहे होते हैं वही चाय होती है, डेली प्रोडक्शन। अच्छा, और अभी यहाँ पर
दो सामान ले। इनको तो आपके किसी ऐसे जाना जाता है, दुनिया तो दुलाभाई भी कहती है, साले भी कहती है, और दुनिया साले वाले को दुलाभाई बोलते, प्यार से बात नहीं बोलते। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ये शादी है, ये शादी के ताले एफसी के सी कंपनी के छह पी के वापस आ गए थे। शानी भाई का रिव्यू लेना रह गया था, तो शानी भाई का रिव्यू लेते हैं। शानी भाई, आपको चाय कैसी लगी? भाई चाय के बिल्कुल बेकार थी, इतने इसके अंदर अपनी मिला के लोगों को पिला रहा है, कुछ चाय से बेहतर नहीं है। बहुत क्लास की थी, फिलहाल चाय वाला जल्दी पूछती है यहाँ का। शानी, ये कितने साल से? ये तकरीबन कोई 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और अब ये मजीद कितने साल और रहेगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हाँ, बेल आइकन का बटन दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलो सही है, फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे तुमसे कल एक किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल